जाएगा, कोई दोस्तों ये समझ लोग नहीं। हमारे रास्ते को भटकाना चाहते हैं कि हम इन लोग से झगड़ा करें और उसको इंसाफ ना मिले, वो केस दब जाए। दोस्तों सच्चाई तो ये है, फालतू का झगड़ा कर रहे हैं सबको, इधर से फालतू का गरिया है। अच्छा ये बताइए, हम लोगों का कौन सा अश्लील वीडियो देखा है ये? दोस्तों जाना है गुड़िया के घर, बुलाई है, उसके घर मुंडन है, और दोस्तों क्या ही बताएं, बच्चे का मुंडन है और कपड़ा उपड़ा लेना हम सोचे जाएंगे गोरखपुर से ले लेंगे, लेकिन दोस्तों गोरखपुर जाने देंगे लोग तब तो हम जाएंगे गोरखपुर, लेकिन चलते हैं दोस्तों यहीं से अब लेंगे कपड़ा। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी हैं दोस्तों, इन लोगों के चक्कर में ना मेरा ब्लॉग भी नहीं बन पा रहा है दोस्तों, क्या बताओ इतना मूड डिस्टर्ब हो गया ना, ब्लॉग व्लॉग शूट ही नहीं कर पा रहा। आइएगा, इधर आ जाइए, आवर ना हो, अब नहीं आएंगे, आवर ना हो, बोला ना हो, तू बोला, हम क्या बोले, अभी सुबह तक मुंह नहीं धोले हैं, जा रहे पहले ब्रश करेंगे, मुंह धोलेंगे तब कुछ करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम देख रहे थे वीडियो, राधा का बोल रही थी कि 9 तारीख के सब लोग आइएगा, मालती को श्रद्धांजलि दीजिएगा, लेकिन श्रद्धांजलि नहीं बोल पा रही थी, इतने मतलब सैड सिचुएशन में भी उसका बात सुन के मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गया, थैंक यू राधा इसके लिए, है कि नहीं, बहुत सैड थे दोस्तों, सच बता रहे हैं, लेकिन उसका वीडियो देखे हैं, उसके बेबी का वीडियो देखे हैं, अच्छा लगा। दोस्तों क्या बताएं आप लोगों को, जब छोटे बच्चों को देखते हैं ना, आप लोग शायद नहीं बिलीव करेंगे, जब छोटे बच्चों को हम लोग देखते हैं ना तो जैसे लगता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, चाहे कोई भी बच्चा हो, मेरा बच्चा, किसी दुश्मन का भी बच्चा हो, बच्चे भगवान का रूप ये तो होते हैं। सही है, बच्चे और दोस्तों जब युवराज का कल शॉर्ट वीडियो, जो भी लोग युवराज के साथ शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं ना, आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है, सैड गाना मत लगाइए, बहुत रोना आ रहा है, देख करके बहुत ही रोना आ रहा है, मत ऐसा करिए, आप लोग दिल को बहुत अजीब लग रहा है, पता नहीं आप लोग कैसे कर पा रहे हो, मुझे एकदम टेंशन हो जा रहा है, उसका वीडियो जब जब देख रहा है एकदम हेडक हो रहा है दिमाग में। अभी देखिए वो बच्चा जो है ना रात में दूध पीता है, दिन में तो नहीं पीता है लेकिन रात में दूध पीता है, मेरे घर भी जब आई थी ना तो उसको गिलास में हम लोग दूध देते थे, गिलास में दूध देते थे, थोड़ा सा चीनी डाल के एक गिलास दूध पी लेता था, लेकिन रात में मालती उसको अपना दूध पिलाती थी, और जिसकी वजह से वो रात में ज़्यादा परेशान करता है। तो मालती की जो भाभी है ना, उसका उनका भी एक छोटा बच्चा है, तो थोड़ा बहुत रात में वो दूध पिलाती है, तो भाभी जी से कहना चाहते हैं अगर आप एक बच्चे को जिया देंगी ना तो आपसे बड़ी माँ कोई और हो ही नहीं सकती है, तो भाभी जी प्लीज़ आज आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस समय थोड़ा आप मालती के बच्चे पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप मालती के बच्चे को और अपने बच्चे को दोनों को साथ में लेके सोइएगा, क्योंकि बाबू जो है ना उठुक रहा है, बार बार खोज रहा है, माँ को खोज रहा है, अपने पापा को खोज रहा है। दोस्तों अब उसको तो नहीं ना पता है कि माँ कहाँ गई, पापा कहाँ गए, अब वो तो उन दोनों के झगड़ा में उस बच्चे का क्या कसूर था दोस्तों, जो बच्चा इस दुनिया में एकदम मतलब समझ लीजिए अनाथ बन के रह गया, लेकिन अनाथ नहीं बोलेंगे हम लोग, सब है उसके लिए, ऐसी बात नहीं है, हम सब लोग हैं दोस्तों। अगर मैं सच बता रही हूँ, अगर इस सिचुएशन में अगर मैं मेरा दूध होता ना तो मैं सच में उसको अपने पास रख लेती और एक आध दो महीना उसको अपना दूध पिलाती, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि मेरा तो दूध हो नहीं सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े बड़े हो चुके हैं, मेरी छनछन भी अब 6 साल की, 5-6 साल की मेरी छनछन भी हो चुकी है। हम लोग इतना छोटा बच्चा को रख के भी सही से सेवा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इधर उधर रहना रहता है, हम लोग खुद अपने बच्चे नहीं, अगर होता तो मैं कोशिश करती दोस्तों करने के लिए, मैं जरूर कोशिश करती। और दोस्तों जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाभी जी युवराज को आप अपने पास ले आइए, तो प्लीज ऐसा कमेंट आप लोग मत करिए, अभी हम कुछ किए भी नहीं है, सिर्फ हेल्प कर रहे हैं, तो मेरे ऊपर इतनी उंगली उठ रही है, जिस दिन युवराज को हम अपने पास ले आ देंगे उस दिन तो पूरा दुनिया मेरे पर काटने को दौड़ेगी, तो ऐसा मत कमेंट करिए आप लोग, युवराज जहाँ है वही सुरक्षित है, सेफ है और अच्छा भी है, उसको मतलब देख रहे हैं कि उसके चाचा लोग भी वहाँ पे हैं, मतलब अमरनाथ है, विकास है, राज है, गंजी है, सब लोग, और निरहू भी है, सब लोग उसके मामा और नाना सब मौसी लोग सब लोग उसको बहुत प्यार कर रहे हैं, और बल्कि जब मालती रहती थी तो उतना साफ सफाई से युवराज नहीं रहता था जितना इस समय बाबू साफ सफाई से रह रहे हैं ना जी, ठीक है, साफ सफाई, और मालती भी उसका ये नहीं कह रहे हैं, मालती उसको बहुत प्यार करती थी दोस्तों, उसको देखती माँ थी, का प्यार तो माँ का प्यार तो कोई, मेरा एक गाना है दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि दुनिया के तानो दुलारी पर सहारा न होई, दुनिया के तानो दुलारी पर सहारा न होई, एक धरती पर बिन माई के गुजारा ना होई। दोस्तों ये गाना मुझे आज एकदम मालती का याद दिला रहा है, सच बता रही हूँ दोस्तों, जैसे लग रहा है ये गाना उसी के लिए बना ही था, नहीं जी पूरा एंगल उसी पर, जैसे मतलब अजीब लग रहा है, अजीब से फीलिंग हो रहा है,
हर एक वर्ड उस पर बैठ रहा है दोस्तों, क्या बताऊँ आप लोगों को। वो गाना मैं आज देख रही थी और बहुत याद आ रहा था दोस्तों। मालती तो चली गई लेकिन युवराज का सोच के बहुत बुरा लग रहा था। आप लोग से यही कहना चाहेंगे दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा उनके पापा का हेल्प करिए, थोड़ा सा हेल्प कर देंगे तो सही हो जाएगा। हाँ, से और आप लोगों को भी आप लोग को भी दुआ मिलेगा और कोई बात नहीं। कोई इस समय हेल्प नहीं कर रहा है, खाली भाषण बाजी लोग दे रहे हैं। इस समय कोई हेल्प नहीं कर रहा है, खाली मोबाइल पे मीडिया के सामने, कैमरे के सामने, माइक के सामने यहाँ से भाषण वहाँ से भाषण दे रहे हैं। अभी उनको बहुत जरूरत है, कोई हेल्प करने के लिए नहीं जा रहे हैं लोग, खाली भाषण देने के लिए इतने लोग जा रहे हैं, कहाँ कहाँ से, बिहार से, दिल्ली से, बम्बई से भाषण दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग को पता है, आप लोग पता है मैं रो रही हूँ ना, तो कैमरा ऑफ करके रो रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग है जो कह रहे हैं घड़िया आंसू बहा रही है, मगरमच्छ के आंसू, मुझे रोना आ रहा है, तो मैं कैमरा मतलब कैमरे के सामने नहीं रो रही हूँ, कैमरे के सामने मैं स्ट्रांग बन के आ रही हूँ, समझ रहे हैं आप लोग। इन लोगों को प्रूफ देना पड़ रहा है, जवाब देने आता है हम लोगों को, और ये अच्छे से जवाब ये भी दे सकती है, पर क्या करेंगे, किसी का दुख है लड़ाई नहीं कर सकते हैं, किसी का मैटर है वो कुछ इन्हीं के आदमी है जो भड़काऊ बयान करके गलत मैसेज पहुंचा रहे हैं, जिससे हम लोग जवाब जुड़ा जाएंगे तो लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, कौन दिलाएगा दोस्तों। ये लोग हमारे रास्ते को भटकाना चाहते हैं कि हम इन लोग से झगड़ा करें और उसको इंसाफ ना मिले, वो केस दब जाए दोस्तों, सच्चाई तो ये है। फालतू का झगड़ा कर रहे हैं सबको, इधर से फालतू का गरिया। अच्छा ये बताइए, हम लोगों का कौन सा अश्लील वीडियो देखा है, ये हम ही को उल्टा साबित है, जब हम लोग अश्लील के खिलाफ ना। अभी ये चीजें कौन चिल्लाता है आपको मालूम है ना, पहले विष्णु चिल्लाता है और उसके बाद अभी कौन चिल्लाता है, जो अश्लील वाले वीडियो नहीं बनाते वो लोग कहते हैं तुम्ही से देख के सीखे हैं, तुम्हें से देख के सीखे। कौन सा मैं हम लोगों का वीडियो देखो यार, पहले तो इनका कौन सा वीडियो देख के सीखे, जानबूझ के इनको लोग बदनाम करते हैं कि वो हम लोगों को कदम न बंद करो, आज नहीं तो कल बंद होगा, कोई बात नहीं है वो तुम्हारे कहने। जानते हैं दोस्तों, जिस दिन मालती का अंतिम संस्कार हो रहा था, जितना मीडिया वहां पे आई थी ना, अगर वहां पे बवाल नहीं हुआ होता तो मेरा घर पूरा ठकच्चा रहता मीडिया से। आप लोग को बताया क्यों नहीं आ रही मीडिया, वो लोग अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि हम लोग वहां जाएंगे तो हमारा क्या होगा, क्योंकि वो लोग बहुत गलत किए हैं मेरे साथ, बहुत ज्यादा गलत की है मेरे साथ, एक महिला के साथ एक मर्द होकर के जोर जबरदस्ती किया, मेरे ऊपर हमला किए वो लोग, और मीडिया नहीं थी वो दोस्तों, मीडिया के नाम पे माइक तो आप खरीदे हैं, माइक अब लोग खरीद के मीडिया बन रहे हैं, वो मीडिया नहीं थी, उस समय माइक भी नहीं था कई लोगों के पास, मीडिया लोग ऐसे नहीं होते हैं, मीडिया लोग को हम अच्छी तरीके से पहचान रहे हैं, जो मीडिया है वो अपने एथी में सही थे, मीडिया वाले जो थे वो सही थे, लेकिन जो वहाँ पे यूट्यूबर थे मीडिया के बेस में गए थे। अभी जब आपने मांगा कि अपना कार्ड दिखाइए, तो कार्ड आप कौन होती है क्या बोल रहा है कि आप कौन होती है आई कार्ड मांगने वाली, तो भाई तुम कौन होते हो इंटरव्यू लेने वाले। एक मीडिया वाले अभी आए थे इंटरव्यू लेके गए हैं, उनका मैंने आईडी कार्ड नहीं चेक किया, क्योंकि दोस्तों वो बहुत बड़े मीडिया वाले थे और अच्छी खासी उनका वो है, और लैंग्वेज सही है, पूछने का तरीका सही है, तो बगैर कार्ड के भी। और वो बोले है कि भाभी आपने बहुत अच्छा किया आधार आईडी कार्ड मांग करके, अगर आप मीडिया वाले हो तो आईडी कार्ड दो, इंटरव्यू लो। तो दोस्तों ये बात सही है, इन लोगों के पास आईडी कार्ड है नहीं, तो गोरखपुरिया भौजी का इंटरव्यू चैनल बना लिए, वही चैनल। तो जानते हैं दोस्तों ये लोग क्या कर रहे हैं, किसी साधु के पास जा रहे हैं, किसी फकीर के पास जा रहे हैं, किसी वकील के पास जा रहे हैं, किसी महिला अध्यक्ष के पास जा रहे हैं, किसी वहाँ वहाँ फलाना ढिमकाना, ये किसी साधु को 100 रुपया 500 भड़काते हैं, ये लोग 200-400 दे करके भड़काते हैं, ये लोग भड़काते होशियार है, क्या करते हैं ना 500 यही दोस्तों यही यूट्यूबर लोग मीडिया के भेष में जानते हैं क्या करते थे, मालती के लिए साड़ी लेके जाते थे, उसके बच्चे के लिए क्या नहीं, मालती के लिए दवाई लेके जाते थे, बताइए उसका भाई नहीं था दवाई देने वाला, ये लोग दवाई वाई लेके जाते थे। साड़ी देना अच्छी बात है, इसके लिए हम नहीं कुछ कहेंगे।